प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, दिस इज योर बॉय यतिगौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। बटन वहाँ पे पीछे कहीं पे रेस्ट कर रही है और एक नया दिन चालू हो गया है। बट जिससे पहले सब कुछ चालू हो, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। और मैं और बटर जो है बनारस आ चुके हैं और आने के बाद थोड़ा लेजी रहे, बट लेजी रहे तो रिलैक्स करा है, थोड़ा काम करा है, एडिटिंग का यही सब चल रहा है। और बाकी कहाँ पे रुके हुए हैं आज, इसके बारे में वीडियो बनानी है। तो जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उसका नाम है हास्ता ला विस्ता कैफे एंड अ हॉस्टल। ये हॉस्टल जो है वरुणा नदी के पास, वरुणा ब्रिज के पास पड़ता है। दैट इज़ अराउंड 4 to 4.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द घाट। तो इतना भी दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोग आते हो स्कूटी राइड ले सकते हो, साइकिल उनके पास ऑप्शन है, साइकिल रेंट करने के लिए मैं दिखाऊंगा। और कैफ़े है जहाँ पे लोकल्स शाम को आ सकते हैं, खा सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है कैफ़े। मैं सबसे पहले कैफ़े और टेरेस दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपना कैंप वहाँ पर पिच किया हुआ है। मैं और बटर जो है टेरेस पे कैंप करके रह रहे हैं। बटर ये आराम कर रही है तब तक। और ये पूरा जो एरिया है, ये कैफ़े एरिया है, अभी सेटअप नहीं हुआ है, रात हो गई थी। रात को पैक हो जाता है सब कुछ अराउंड 11 बजे के करीब। और उसके बाद मेन जो कैफ़े चालू होता है वो करीब शाम को 4 या 5 बजे से चालू होता है। लिटअप रहता है, काफ़ी लोकल्स भी आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए और ट्रैवलर्स भी हैं, लोग भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट दिस इज़ बेसिकली दी टेरेस और मेन एरिया ऑफ दी हॉस्टल। और यहाँ से मेन रोड है इसलिए थोड़ा शोर है, पर रात को कुछ नहीं होता है, रात को ट्रैफिक इतना नहीं चलता है। भारत पेट्रोलियम के पास ये जगह है। मैं ढंग से एक बार टेरेस दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्रिसमस के लिए हो रखा था और मुझे पता नहीं चला, बट वाराणसी में सनबर्न भी था। और कैफ़े है यहाँ पे, मैनेजर बैठते हैं आशीष भाई, आएंगे तो दिखाऊँगा। और मेन्यू कुछ ऐसा है। तो आपके पास बेसिकली वेज नॉन वेज खाने के लिए दोनों ऑप्शन है और खाना काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं रह चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी दिस इज़ दी एरिया फॉर पीपल एंड दी गेस्ट। एंड ऑफकोर्स अगर आप वाराणसी में हो, लोकल हो, तो आप स्टे नहीं कर सकते हो, पर आप कैफ़े में ज़रूर आ सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट थिंग्स। और इसके अलावा एक एरिया और है, दैट इज़ दैट एरिया, सिटिंग एरिया जस्ट इसके बराबर में। वहाँ पर अगर आपको शांति में बैठ के काम करना है लैपटॉप पे, तो वो कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो अगर छोटा ग्रुप है या एक दो लोग हैं। तो मेरी पर्सनल फेवरेट जो है जगह जो है अभी तक वही है साइड में, वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और सही ग्राफिटी और पेंटिंग्स हो रखी हैं अंदर, सही पेंटिंग्स हो रखी हैं अंदर। फाइनली टाइम हो गया आप लोगों को दिखाने का कि डॉम्स कैसे दिखते हैं। मैं और बटर कैंप में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स डॉग्स अलाउड नहीं है डॉम के अंदर, बाकी भी गेस्ट होते हैं और बटर इधर उधर कूदती रहती है तो अच्छा नहीं है। पर अगर आप लोग आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आप लोग डॉम में रुक सकते हो। प्राइवेट रूम में शूट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑलरेडी कोई रह रहा है और अलाउड नहीं है, बट डॉम्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे दिखते हैं एक्चुअली में। तो ये पीछे ऑलरेडी गेस्ट रह रहा है, एक ऑलरेडी गेस्ट है, इसका नाम निकले, वो ऊपर है अपना काम कर रहा है अभी। और ऐसे कुछ पीछे से बेड्स डॉम दिखते हैं, तो ऐसा कुछ डॉम मिलेगा, इसमें रीडिंग लाइट मिलेगी, प्लग वगैरह होगा, ब्लैंकेट और प्रिवेसी के लिए कर्टन्स। और ये करीब 2 बेड 4 6 8 10 12 12 बेड डॉम है, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह है। ये देख सकते हैं कि सामान वामान रखा है, तो कितना आइडिया लग सकता है आपको किस हिसाब से सामान रखते हैं। क्रेटल इम्पोर्टेंट मेंबर हॉस्टल।